विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन और टीकाकरण पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। संघ प्रदेश दमन दीव व दादरा नगर हवेली के स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए गुरुवार को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से वैक्सीन और टीकाकरण संबंधित जानकारी मुहैया कराने के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया था। दमन गंगा वैली रिसोर्ट के सभागार में आयोजित इस कार्यशाला का प्रशासक के सलाहकार सज्जन सिंह यादव ने उद्घाटन किया था। इस राज्य स्तरीय कार्यशाला में स्वास्थ्य कर्मचारियों को मिसलेस और रूबेला नामक वैक्सीन पर मार्गदर्शन दिया गया। वहीं इस कार्यशाला में स्वास्थ्य सचिव सज्जन सिंह यादव, शिक्षा सचिव उमेश त्यागी, समाहर्ता गौरव सिंह रजावत, मिशन डायरेक्टर सहित के महानुभव की उपस्थिति रही थी। आज दमन दीव और दादरा नगर हवेली में स्टेट वर्कशॉप रखा गया था मीजल्स और रूबेला वैक्सीन के बारे में। ये हम जुलाई एंड या अगस्त में लॉन्च करने वाले हैं। तो मीजल्स और रूबेला हम 9 महीने से लेके 15 साल तक के बच्चों को सबको इम्यूनाइज करने वाले हैं, स्कूल्स में, आंगनवाड़ीज़ में, एंटायर दादरा नगर हवेली में और दमन दीव में, ताकि ये दो बीमारी से बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि वैसे मीजल्स से डेथ हो जाती हैं और रूबेला से अगर प्रेग्नेंट वुमन को हो जाए तो बच्चा जो पैदा होता है उसमें कुछ जेनेटिकल एनोमलीज हो जाती हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए पूरे देश में ये शुरू हो रहा है और उसके संदर्भ में आज हमने यहाँ वर्कशॉप रखा है दमन दीव दादरा नगर हवेली के सीनियर ऑफिशल्स का, जिसमें हमारे एडवाइज़र टू एडमिनिस्ट्रेटर यादव सर, जो सेक्रेटरी हेल्थ भी हैं, वो आज के चीफ गेस्ट हैं, साथ में सेक्रेटरी एजुकेशन त्यागी सर और कलेक्टर गौरव सिंह रजावत सर और मिशन डायरेक्टर, सब लोग ये फंक्शन में हाजिर थे। और WHO, यूनिसेफ और बिल गेट्स फाउंडेशन से भी लोग आए थे, एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। वो दो दिन के वर्कशॉप में ट्रेनिंग देंगे ताकि हमारी जो यूटीज़ हैं वो मीजल्स और रूबेला से फ्री हो जाए।